त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक दंगों पर लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट करना पड़ा भारी। पुलिस ने 68 ट्विटर यूजर्स के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज किया मुकदमा। सभी के खिलाफ आईपीसी की गैर जमानती धाराओं के तहत भी केस। ट्विटर को 68 मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने के लिए नोटिस। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दर्ज किया केस। पुलिस का दावा, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए वायरल किए जा रहे हैं हिंसा से जुड़े झूठे तथ्य। यूएपीए के तहत बुक किए गए लोगों में कई पत्रकारों और कार्यकर्ताओं का नाम शामिल। कैप्टन के बाद अब सीएम चन्नी से हो सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की टकरार। मुख्यमंत्री चन्नी ने बेअदबी मामले पर तोड़ी चुप्पी। कहा, सरकारी लीगल टीम कर रही है अच्छा काम। नशे और बेअदबी मामले में पंजाब सरकार पर सवाल उठा चुके हैं सिद्धू। कहा, 50 दिन पुरानी हो चुकी सरकार ने धार्मिक ग्रंथ के अपमान और ड्रग्स मामले में नहीं उठाया है कदम। चन्नी ने भी दिया सिद्धू को जवाब। बोले, कानूनी टीम करेगी गुरमीत राम रहीम से पूछताछ। अदालत में भी लड़ा जा रहा ड्रग्स केस, जल्द सामने होगी रिपोर्ट। पश्चिमी अफ्रीकी देश सियेरा लियोन में भीषण विस्फोट। राजधानी फ्रीटाउन में दूसरे वाहन से टकरा कर फटा 40 फीट लंबा तेल टैंकर। हादसे में कम से कम 91 लोगों के मारे जाने की खबर और 100 लोगों के जख्मी होने की जानकारी। टैंकर से लीक हो रहे तेल को इकट्ठा कर रहे लोग भी बने विस्फोट का शिकार। आधिकारिक तौर पर मौत की संख्या फिलहाल अस्पष्ट। केंद्रीय मुर्दा घर का बयान, शव गृह को मिली है 90 से ज्यादा लाशें और बढ़ सकती है हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा। महामारी के बीच दिवाली के दौरान भारतीयों ने खोली अपनी जेब। त्योहार पर भारतीयों ने की 1.25 लाख करोड़ की खरीदारी। ट्रेड बॉडी CIAT ने कहा, इस साल की दिवाली बिक्री ने तोड़ा बीते 10 सालों का रिकॉर्ड। सिर्फ दिल्ली में ही हुआ 25,000 करोड़ का व्यापार। देश भर में बिका 9,000 करोड़ का सोना और चांदी। CIT महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का बयान, लोगों ने चीन से ज्यादा भारतीय वस्तुओं को दी अहमियत। पड़ोसी देश को हुआ 50,000 करोड़ का नुकसान। और भारतीय क्रिकेट टीम और स्कॉटलैंड के बीच मैच में स्टार प्लेयर बनकर उभरे मोहम्मद शमी। टीम के लिए झटके स्कॉटलैंड के 3 विकेट। भारतीय टीम ने जीता वर्ल्ड कप 2021 का दूसरा मुकाबला। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ दर्ज कर चुकी है शानदार जीत। अब भी भारत की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार। अब 8 नवम्बर को नामीबिया से भिड़ेगा भारत। सेमीफाइनल के लिए विरोधी टीम को बड़े अंतर से हराना इंडिया के लिए जरूरी है।